नमस्ते, मेरा नाम संतोष है, मैं रणथंभौर में नेचुरलिस्ट हूँ। तो हम सुबह 10 नंबर जोन पे आए थे, 10 नंबर पे मॉर्निंग में मेल टाइगर दिखा था 108। उसके अलावा इस जोन पे एक टाइग्रेस है T99 करके, ऐश्वर्या नाम है उसका, और एक इसकी डॉटर है उसका आराध्या नाम है। बाकी अभी भी हम जंगल आए हैं और अभी भी मेल टाइगर दिखा है 108। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम फिर से आ गए हैं अपनी डे सफारी के लिए। आज की सफारी भी हमारी जोन 10 में ही है, जो रणथंभौर के बफर जोन में आती है। आज सुबह भी हमने इसी जोन में सफारी करी थी और हम पूरा टाइम जय के साथ ही थे। सफारी ओवर होने पर जब हम जाने लगे तो जय मंदिर पर बैठ गया था। डे सफारी बुक करवाते वक्त हमने सोच लिया था कि सबसे पहले जंगल में हमारी ही जिप्सी जाएगी। इतनी गर्मी में पानी पीना तो बनता ही है। ये बंदर और लंगूर की लाइन पानी पीने के लिए ही लगी हुई है। चलो, जब तक परमिट करता है तब तक लंगूर और बंदर के शॉर्ट्स ही हो जाए। अब सबसे पहले हम मंदिर वाले एरिया में ही जाएंगे जहां हम जय को छोड़कर आए थे। रास्ते में मिले गांव वालों ने भी यही बताया कि टाइगर मंदिर में ही बैठा है। पता नहीं इन गांव वालों को डर नहीं लगता, ये अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए ऐसे अकेले आ जाते हैं जंगल में। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार को इन गांव वालों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। मंदिर पर तो जय मिला नहीं। हो सकता है जय आसपास के किसी वाटर होल में चला गया हो। धूप की वजह से टाइगर्स जनरली वाटर होल के आसपास किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जंगल में इतनी बार आने के बाद भी बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि हमने टाइगर को इतना नजदीक से देखा हो। Thank you.
गर्मी और धूप से बचने के लिए टाइगर्स बहुत देर तक पानी में बैठे रहते हैं। ऐसा करने से टाइगर्स का शरीर ठंडा रहता है। हम बहुत देर तक जय के साथ ही बैठे रहे और उसके बिहेवियर पैटर्न्स को भी समझने लगे और साथ साथ हमें बहुत प्यारे प्यारे शॉट लेने का मौका तो मिला ही। और वेट करते करते जय सुबह की तरह पानी से फिर से बाहर आ गया। हाँ जी, आप ठीक समझ रहे हैं, ये टाइगर घास ही खा रहा है। टाइगर्स अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए और अपने पेट की परेशानी को दूर करने के लिए घास खाते हैं। कभी कभी कच्चा मांस खाते वक्त छोटी छोटी हड्डियाँ या बाल टाइगर के गले में ही अटक जाती हैं। घास खाने से टाइगर को खांसी होती है, जिससे ये हड्डियाँ और बाल बाहर आ जाते हैं। Thank you.
पानी से निकलने के बाद जब टाइगर मिट्टी में बैठता है तो उसके बाद ऐसे ही निशान बन जाते हैं। दूसरी जिप्सी तो चली गई, पर हम तो टाइगर के साथ टाइम बिताने का मौका कभी नहीं छोड़ते। थोड़ा सा आगे जाकर हमें जैकी को झलक और मिल गई और देखते देखते हमारी सफारी का टाइम भी पूरा हो गया। जैको अलविदा कहने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर जाना तो पड़ेगा ही। सो इस व्लॉग के साथ ख़त्म होती है हमारी रणथंभौर की सीरीज़, और हम आपको मिलते हैं अब किसी नए जंगल में। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक जंगल कवर करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश यही है कि धीरे धीरे इंडिया के सारे जंगल्स कवर करें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वाइल्ड लाइफ और बुकिंग के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिखे नंबर पे कॉन्टैक्ट करें।